बिल्कुल नया आता है उसको एक इंटरेस्ट पैदा होता है कम से कम, वो इटसेल्फ इज सक्सेसफुल थिंग फॉर अस। वो इंटरेस्ट को अगर वो सस्टेन करके आगे जाके काम करेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि डिप्लोमा तो एक बहाना है ना, डिप्लोमा तो एक बहाना है, सीखने का तो जिंदगी भर सीखते रहेगा बंदा, और तब भी कुछ भी नहीं हो पाता है, इतने साल होने के बाद भी लगता है कि हमने कुछ नहीं किया। तो देन एनी वे पीपल हु कुड एबल टू कम, हु कुड स्पेंड द टाइम, हमने यही कोशिश की इस बार, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम 3-4 वर्कशॉप करे हैं, तो हम इस वर्कशॉप में कोशिश किया है कि हम और टीचर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करके, एक्सपर्ट्स को हम एक नया फ्लेवर दें। पिछले वर्कशॉप को पूरा हम ही खा गए तो मोनाटनस, हम फिर मोनाटनस करते थे कि 10 दिन मैं ही आ रहा हूँ, 10 दिन विवेक आ रहा है, 10 दिन मेरे साथ राखी मैडम आ रही है, तो लोगों को भी लगा कि कभी ना कभी बोर हो जाते हैं, तो इस बार हमने उसको पैटर्न को चेंज किया, तो अच्छा है नए लोगों से काम करना। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम यही है कि हमको नाटक भी करना है, लोगों को बुलाने का हमारा कोई ये नहीं है कि ना बुलाएं, ऐसा नहीं, ये होता है कि एक दिन गया, 2 दिन गए, 3 दिन गए, तो बाकी बचे कितने दिन, तो उसी में हमें करना है, नाटक भी करना है। नाटक करके हम अपने जेब में नहीं डाल सकते, उसको दिखाना भी है, दिखाने के लायक बनाना है थोड़ा बहुत, है ना, ये भी जरूरी है। दिखाना है ये मतलब है कि हमको यू हैव टू फेस द म्यूजिक, इज़न्ट इट, इसमें ये क्यों नहीं था, उसमें वो क्यों नहीं था, ये भी क्वेश्चन आएगा। हम उनके सामने जा रहे हैं तो हमारी जवाबदारी है कि हम उसको जवाब भी दें, तो उस लायक थोड़ा बहुत बना के दे दें, वो बस खत्म। से जैसे बोला कि परफेक्टनेस कुछ नहीं होता है, वी आर ऑल ट्राइंग, अटेम्प्ट करना ही सक्सेस है, हम अपने तरफ से अटेम्प्ट करेंगे ये सक्सेस है। और कुछ सीखने को मिला, और मैंने एक्टिंग जो है पहली बार मैं कर रहा हूँ, बाकी मैं डायरेक्शन करता हूँ, राइटिंग करता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, फिर भी एंटीबायोटिक खा के मेरा घर छूट रहा था, मैं डर रहा था कहीं मेरी वजह से खराब ना हो जाए कुछ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि ठीक है कुछ अच्छा हो जाए, तो ये और सर ने मुझ पर भरोसा किया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं फ्यूचर में भी और सर के साथ काम करना चाहूँगा। और बहुत अच्छा लगा, और बहुत टाइम थे तो अच्छा लगा। तो आगे ये नहीं बोलोगे मैंने कहा तुम कौन हो, नहीं बोलोगे ना, अब तो तुमको पता लग गया मैंने कहा कौन है, नहीं? चलो अमर से फिर रिपीट करेंगे। तो नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, लेकिन जब मेरे पास फोन आया था सर का कि गौरव वर्कशॉप तो कर चुका है, कितने वर्कशॉप करेगा, तो मैं बस समय सर आपको ये जब कहना चाह रहा था कि मैं आपके साथ जितना काम कर पाऊंगा, जितना सीख पाऊंगा, मेरे लिए कम होगा। सर थैंक यू अगेन एंड अगेन, सर थैंक यू अगेन, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया, मैं बहुत कुछ सीख पाया और भी बहुत कुछ सीखना है सर। कैसे कर बोलो सर, ओवरऑल एक्सपीरियंस नहीं करूं बहुत अच्छा था, और गुंजाइश तो हमेशा रहता है, लिमिटेड रिसोर्सेज थे और उसको हमने बहुत ही बेहतर तरीके से मैनेज किया, तो हमें पता है कि कितना लिमिटेशंस था। और दूसरा मुझे जो मेरे लिए लर्निंग कर्व था, ये मैंने सभी से बहुत कुछ सीखा है और नोट डाउन किया हुआ है, आप कितने भी बड़े परफॉर्मर हो जाओ बट गुंजाइश हमेशा रहता है, मैंने पहले भी कहा, तो मैंने बहुत कुछ लिया है लोगों से, कुछ लोगों से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ, और ओवरऑल अच्छा था, फाइन आर्ट पीपल, म्यूजिक पीपल एंड थिएटर पीपल आर वर्किंग टुगेदर, और क्या चाहिए, इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, थैंक यू। अजीत सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं 10 दिनों में वो चीज़ सीख पाया जो मैंने काफ़ी सालों का मेरा जो गैप रहा, 5-6 साल हो गए मुझे थिएटर छोड़े हुए, ठीक है, अब मैंने ये मेरा प्ले स्टेज पे चढ़ने मुझे डर सा लग रहा था कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मुझे जो वर्कशॉप ली 10 दिन की उसमें काफ़ी चीज़ें सर ने सिखाई, स्क्रीनिंग एक्टिंग हो गई, और भी वो मैम ने सिखाया, सर ने भी सिखाया था जो उसने एनर्जी से, तो उसमें थोड़ा हेजिटेशन मेरी कम हुई और एक नई उम्मीद मिली, और सर मुझे सर का वो ऐसा लगा कि सर ना मतलब मैं कभी लेट हो जाया, एक दो दिन मैं नहीं भी आया, सर ने मुझे थोड़ा माफ़ किया, मैंने भी हाँ माफ़ किया, तो मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, सर ने नई उम्मीद दी मेरे को सर ने कि कुछ कर सकता है, कि यही तू कर, मेरा रोल भी नहीं था लेकिन सर ने बोला कर भाई, तो मैं मुझे
मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर, सर ने मुझे मौका दिया वो स्टेज पे चढ़ने का, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। इन 10 दिनों में काफ़ी कुछ सीखने को मिला, थिएटर के अलावा और भी अलग फैकल्टीज जो आई थी, जैसे फिल्म में के डायरेक्शन में हो, NSG से जो मैम आई थी, सर आए थे, तो उनसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो पहले पता ही नहीं थी, मतलब थिएटर करते हैं बट छोटी छोटी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं थिएटर में, उन चीज़ों के बारे में सीखने को मिला। काफ़ी अच्छी कंपनी मिली, सर का बहुत अच्छा डायरेक्शन मिला, सो कुल मिला के सीखने के अलावा इन 10 दिनों में एंजॉय किया। ऐसा लगता है 10 दिन के लिए इससे ज़्यादा कुछ होना चाहिए था, तो और मज़ा आता है। सर मैं तो क्यों कहूँगा कि मैं राजस्थान के बहुत से छोटे से कस्बे से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ तो एक्टिंग दूर दूर तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पर आप एक्टिंग सीख सकते हो। तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि ऐसे सर हैं डॉक्टर गोविंद राजू जी और वो इस तरह से सिखाते हैं, चलो ठीक है जाते हैं। लेकिन मैंने एक्चुअली मेरे माइंड में आया कि अब 10 दिन में क्या सीख पाएंगे यार, एक्टिंग तो लोग तो बोलते हैं सालों साल लगते हैं, NSD वगैरह FTI वगैरह 2-2 साल लगते हैं, 10 दिन में क्या सीख पाएंगे। लेकिन मैं सही में बताऊँगा कि कितने सर जितना एक्सपेक्ट करके आया था ना उससे ज़्यादा मिला मेरे को, और मतलब कि 10 दिन के अंदर आप देखो तो सीन वर्क पे भी काम हुआ है, कैमरा एक्टिंग भी हमने सीखी है, डिक्शन पे भी काम हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा सर। और ऐसा लगता है कि बहुत सी नई चीज़ें सीख के गए हैं, और मैं यही कहूँगा कि सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ नई चीज़ें सीखी, और मैं भविष्य में सर से के साथ जुड़ा रहूँगा। थैंक यू। सबसे पहले तो गोविंद राजू सर को बहुत धन्यवाद कहूँगा कि जो ऐसे 10 दिन के वर्कशॉप अटेंड करते हैं करवाते हैं। और जब मैं यहाँ आया था तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, मैं सोचा था चलो देख लूँगा कुछ सीखने को मिलेगा, पर सर ने मुझे मौका दिया और वर्कशॉप में मैंने प्ले भी किया। सर ने 10 दिनों में मैंने NSD से आए मैम से बहुत कुछ सीखा, सीन वर्क सीखा और कैमरा एक्टिंग के बारे में सीखा। मेरा 10 दिन मतलब बहुत अच्छा गया और बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। सर मेरे 10 दिन की वर्कशॉप में मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा, शुरू में मुझे काफ़ी हेजिटेशन थी मगर वो धीरे धीरे कम हो गई, अभी भी थोड़ी बहुत है और मगर ये है कि पहले से बहुत बेहतर हुआ है। और सर आपने मुझ पे मतलब मुझे जो करेक्टर दिया उसको लास्ट तक भी चेंज नहीं किया, हालांकि छोटी मोटी गलतियां जो भी थी और कई गलतियां होने के बाद भी आपने मुझे उस करेक्टर से चेंज नहीं किया, तो ये भी अच्छा था मेरे लिए कि आपने मुझ पर भरोसा किया। और वर्कशॉप के 10 दिन काफ़ी अच्छे रहे, उससे वीकेंड क्लासेस भी होती थी वो भी काफ़ी अच्छी थी सर, उसमें भी काफ़ी एक्टिविटी आपने करवाई, वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी रही कि वो धीरे धीरे कनेक्टिविटी मिली। और ये जो माहौल है ये काफ़ी लंबे समय बाद मुझे मिल पाया कि यहाँ सब आर्टिस्ट हैं, इसलिए ये सब अच्छा है मेरे लिए। काफ़ी अच्छा था, ऐसा लगा 10 दिन पूरे फुल यूटिलाइजेशन हुई थी, सारे दिन हर दिन कुछ ना कुछ नया था, कभी एक्सरसाइज पे काम हो रहा था, कभी कैमरा पे काम हो रहा था, कभी बाकी चीज़ों पे काम हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि जितने इतने कम वक्त में जितना किया जा सकता था उतना करा दिया गया, अगर थोड़ा और वक्त होता तो शायद और ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन ठीक है बाकी सब अलग अलग जगह से आए यहाँ पर आके मिले, सब इतने एक्सपीरियंस थे तो उनके साथ थोड़ा सा साथ में रहना, उनसे समझना, सीखना बहुत कुछ, तो वो अपने आप में काफ़ी कुछ था। तो बस थैंक यू सर। सर नमस्कार, मैं पुनीत शर्मा, और मेरा ओवरऑल पूरा जो ये प्रोसेस था इसका क्लास का वो बहुत ही अमेजिंग रहा, ना सिर्फ वर्कशॉप बल्कि उससे पहले भी जितनी भी हमारी क्लासेस हुई उसमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सबसे अच्छा ये लगा काफ़ी सालों बाद दोबारा से थिएटर से वो कनेक्टिविटी मिली, अलग अलग स्टेट से बहुत सारे दोस्त मिले और उनसे अलग एक्सपीरियंस मिला, उनसे अलग नॉलेज मिली, सबके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। सर के साथ एक्टिंग वो कैमरा एक्टिंग के बारे में थोड़ा और नॉलेज मिली, उसमें भी बहुत मज़ा आया, और वॉइस पे भी काफ़ी चेंज मतलब उस पर भी वर्क हुआ, तो उसमें काफ़ी अमेजिंग रहा सारा एक्सपीरियंस। और लास्ट में जो वर्कशॉप थी पूरे 10 दिन उसमें तो पूरी टीम ने मतलब जिस तरह की यूनिटी दिखाई वो अमेजिंग थी, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर। सर मेरा बिल्कुल ये न्यू एक्सपीरियंस था, लेटेस्ट एक्सपीरियंस एंड अमेजिंग, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी स्टेज परफॉर्मेंस नहीं दी थी, ये मेरा फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस था, और आइदर इट इज़ ग्रीन रूम, कॉस्ट्यूम, प्रॉप, ये सब ही मेरे लिए न्यू लर्निंग्स थी,
मुझे इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी पहले, तो लेटेस्ट बिल्कुल न्यू अंदर से कुछ एक्सप्लोरेशन हुआ है कि समझ में आया कि अच्छा क्या होता है क्या नहीं होता है चीज़ें, न्यू लर्निंग न्यू एक्सप्लोरेशन ये ज़रूर हुआ है। थैंक यू। हेलो सर, सर मेरे लिए ये 10 दिन की जो वर्कशॉप थी वो पूरी तरीके से एक रिविज़न था, क्योंकि मैं कोविड के पहले बहुत थिएटर किया, यहाँ वहाँ बहुत सारे डायरेक्टर्स से सीखा जो भी सीखा, लेकिन ये 10 दिन का जो वर्कशॉप था बिगनिंग से ही, तो वो हर दिन कुछ नया हो रहा था, हर दिन कोई नया टीचर आ रहा था, तो वो बहुत ही मतलब एक नया सीखने लायक था कि हर दिन एक नया टीचर आपके सामने पेश कर दे रहा था, ये आपको ये सिखाएंगे, अच्छा चलो आज ये सीखना। तो ऐसा 5-6 दिन चला, उसके बाद आपने एक प्ले दे दिया कि अब हमको 4-5 दिन में प्ले खड़े करना है। अमूमन क्या होता है कि हम लोग 30 दिन प्ले करते हैं, 25 दिन करते हैं रिहर्सल, तब एक प्ले खड़े होता है, लेकिन हम पहली बार मैंने 4 दिन में कोई एक प्ले किया, तो ये मेरे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस था, और बहुत ही मतलब दूर दूर से अलग अलग टाइप के लोग मिले, मतलब यहाँ पर मुझे मिले, और मैं भारद्वाज सर से मेरी पहली बार बात हुई थी फ़ोन पर, तो मैंने कहा था कि सर मैं रायपुर से हूँ, मैं आना चाहता हूँ, तो बोले आओ ठीक है स्वागत है, तो मैंने कहा सर वहाँ पर रुकने की कुछ व्यवस्था होगी, तो हो जाएगी सर, कितना पैसा रहेगा, उन्होंने कहा था 350, तो मैंने 50 सुना था, तो मैं बहुत खुश हो गया था, अरे सर 50 में रुकने की व्यवस्था, बोलते हैं 50 में कुछ नहीं होगा दिल्ली में। तो गोविंदा राजू सर से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छे हैं सर, और कोशिश करूँगा कि जब भी मुझे यहाँ वो मिले मौका मिले मैं वर्कशॉप पर ज्वाइन करूँगा। थैंक यू सर। हमने वीकेंड क्लासेस भी अटेंड की थी यहाँ पे, तो वीकेंड क्लासेस में सैटरडे संडेज को एक तो नॉर्मल रूटीन जो था आपका काम का स्केड्यूल है उससे एक ब्रेक मिल जाता था, और भारद्वाज सर के साथ कोई भी एक्टिविटी करना, उनके साथ वर्कशॉप लेना बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस हमेशा से ही रहा है, और मेरा मेन पर्पस भी एक तरह से डिप्लोमा करने का यही था कि मुझे भारद्वाज सर से थोड़ा सा एक उनके साथ वर्कशॉप करने को मिले, कुछ सीखने को मिले, और उसके अलावा जो वर्कशॉप हुई 10 दिन की वो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस है। जैसे नीरज ने अपना यशवंत ने भी कहा था कि 5 दिन के अंदर प्ले बनाना और ऐसे सबके साथ बनाना जिनसे आप पहले कभी इंटरेक्ट नहीं किया, आपने आपको पता नहीं है किस तरह वो फंक्शन करते हैं, किस तरह काम करते हैं, वो एक टीम को इकट्ठा करना वो बहुत अच्छा प्रोसेस था। यहाँ पे सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सभी आर्टिस्ट ने, सर ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, और जो इक्विपमेंट थी, जो फैसिलिटीज़ थी इग्नू की वो टॉप नॉच थी, तो उसमें काम करना वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ थी। एक कुछ चीज़ें थी जो बेटर हो सकती थी, जैसे अगर चाय समोसे हमको एक बार की दो बार मिल जाते तो चाय तो बहुत अच्छा होता, बाकी अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सो हाय एवरीवन, आई एम हर्षिता, एंड वर्कशॉप का एक्सपीरियंस, सबसे पहले तो मैं अभी स्कूल की नज़र में जहाँ पे मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, मेरे को निमोनिया है, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूँ, मैं बेड रिडन हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो, अब मतलब हिल भी नहीं सकती मैं, बट बहुत बहाने बनाए यहाँ पे आने के लिए, एंड 10 डेज एक साथ लगातार मैं आई, आई गॉट टू मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल एंड आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, फिल्म मेकिंग से के रिगार्डिंग बहुत कुछ सीखने को मिला, स्वाति मैम से काफ़ी इंट्रैक्शन हुई, पता चला वो मेरी एक तरीके से सीनियर ही हैं, हालांकि वो मिरांडा हाउस से, मैं LSR से हूँ, बट राइवल कॉलेजेस हैं, बट जो माइंडसेट है वो काफ़ी सेम रहता है, सो लाइक माइंडेड पीपल से मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। इस पर्टिकुलर वर्कशॉप से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जैसे प्ले की बात हुई, प्ले मैंने पहले भी एक किया था, दैट वॉज जिसके हम मामा हैं, एंड दिस वॉज माई सेकेंड प्ले इन द ऑडिटोरियम, सो अच्छा एक्सपीरियंस रहा ऑल ओवर। या दैट्स इट। अभी हाँ नहीं, कैरेक्टर नहीं, वो तो दूसरा वाला है ना, इधर से बात कर रहे तू, अभी अभी हम बात नहीं करेगा, अभी हम सबको समझाएगा ऐसा। अभी यहाँ आके सबसे पहले मेरा ये एक्सपीरियंस था भारद्वाज सर से, मैं एक्चुअल में मैंने मई में रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, नहीं मार्च अप्रैल में किया हुआ था, उसके बाद सर को फ़ोन किया तो सर बोलते हैं मैं बताऊँगा तेरे को सब कुछ, तो करता कि नहीं खुद से, बार बार परेशान करता है मेरे को। तो मेरा एक्सपीरियंस ये था सर के साथ कि सर बहुत खड़ूस टाइप के आदमी है, मेरा फर्स्ट जो एक्सपीरियंस था कि जब तक मिला नहीं था,
है ना, तो बट मैं जब सर से मिला फिर ये लगा कि कहते हैं जो अपना फैमिली होती है उस तरीके का माहौल है कि हाँ तुम कुछ करोगे गलती करोगे तो छोटी मोटी गलती भूल दी जाएगी, बड़ी गलती तो फिर मार तो पड़ेगी, वो बात अलग है, बट छोटी मोटी गलती है। और जो प्यारे तरीके से सर हमको सिखाते हैं सारी चीज़ें कि किस तरीके से क्या चीज़ करनी है, कभी किस जगह पे गलतियाँ नेगलेक्ट करनी है, किस जगह पे पकड़ के बैठनी है उन चीज़ों को, या कोई भी चीज़ जो, क्योंकि वो चीज़ मेरे पर्सनल लाइफ में भी मुझे बहुत हेल्प करेगा जो चीज़ यहाँ पे मैंने सीखी है। बाकी मैंने सारे लोगों के साथ इतना काम किया, कभी सोचा नहीं था कि ये कहते 10 दिन के अंदर मैं मिल के किसी अननोन आदमी के साथ इतना अच्छा काम कर सकता हूँ, इतना उनसे सीखने के लिए मिलेगा मुझे, सब लोगों से मेरे को इतना अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिली। फिर मैं थोड़ा सा ये रहता है कि सबका एक्सेंट कॉपी करने के, तो मेरे को बहुत सारे एक्सेंट मिल गए थे यहाँ पे। फिर और उसके अलावा ये था कि मेरा एक्सपीरियंस कि जो नाटक था सबसे बड़ा चीज़ कि 4 दिन के अंदर जो हमने करके दिखाया वहाँ पे सारी चीज़ें करी, क्योंकि उस पर ये था, उस पर मेरा कैरेक्टर था, सर बोल दिए थे मेरे को डांसर करेगा, तो वो डांसर एक्चुअल में डांसिंग मेरा बचपन से थोड़ा सा फेयर था मेरे को कि मैं कहीं पे भी जाऊंगा मेरे को डांस नहीं करना है, जो सर दिया था मेरे को, सर ने दिया, तो उसके बाद मुझे ये लगा कि हाँ भाई इस बार तेरे को मौका मिला है, एक बार ट्राई कर, नहीं होगा तो फिर देखेंगे, बट इस बार ट्राई करेगा तो कुछ तो निकलेगा, बट इस बार बहुत अच्छा रहा वो सारा का सारा एक्सपीरियंस सर वो। और एक दिन तो डर लग गई थी मेरे को सर से, सर ने बोला था जब मेनका करेगी तेरा सारा कैरेक्टर, मैंने कहा मेरे छिन गया सब कुछ तो ये था एक्सपीरियंस। बाकी सारे फैकल्टीज के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, विवेक सर, राखी मैम, सब लोगों के साथ, सौरभ भाई, तो ये था कि अपना फैमिली की तरह, क्योंकि मैं यहाँ पे वो रहता है कि घर के बाहर हम निकल के आते हैं तो थोड़ा फैमिली से अलग रह रहे हैं, तो थोड़ा सा एक रहता है कि क्यों बाहर रह रहे हैं, किस चीज़ के लिए, बट यहाँ पे रह रहे हैं तो फिर बाहर की कोई चीज़ हमें याद ही नहीं आई उसके बाद कि जाना है, नहीं सर थोड़ी देर और ले लो क्लास तो चलेगा, हमको यही रख लो, तो ये चीज़ था। तो बाकी थैंक यू सभी को, आप लोगों को लाइफ में आने के लिए, बाकी हम लोग जुड़े रहेंगे सबके सब लाइफ में। बाकी सर जून के उसके लिए मैं, जुलाई वाले वर्कशॉप के लिए पहले से डन, मैं आऊंगा सर, अभी माइक ले रहे। सबसे पहले तो इग्नू परिवार का धन्यवाद जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमसे जुड़े रहे इन 10 दिनों की वर्कशॉप में। सर ने एक माला को छोटे छोटे मोतियों से पिरोने की कोशिश की, मतलब 10 दिनों की क्लास में अलग अलग तरह के जो भी हमसे एक्सपीरियंस करवाया सर ने। अब मेरे को बोलने तो वैसे नहीं आता है बहुत कुछ, नहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा अच्छे से बोलता हूँ, बाकी नहीं नहीं जी नहीं बहुत अच्छा रहा 10 दिन का अनुभव। और यहाँ जाने के बाद इस चीज़ को हम अपने, हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ अपने अनुभव को हम जो भी हमारे से जुड़ते हैं लोग उनसे साझा करेंगे। और नहीं आता भैया बोलने, ठीक है धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा, ताउम्र नहीं भूलूंगा मैं इन चीज़ों को, चंद लम्हे वो बिताया हूँ बेगानों के साथ क्योंकि अब दिल नहीं लगता जाने पहचानों के साथ। सर एक्चुअली मैं अभी जस्ट मैं जब विंग्स में खड़ा था और जब सारी जब चीज़ें हो रही थी, मैं 2 साल बाद प्ले कर रहा हूँ, तो मैंने कोविड में एक लाइन पढ़ी थी मानव कौल की कि थिएटर जो होता है माँ के हाथ का दाल चावल होता है, तो मुझे फील हुआ आज कि कहीं भी आप थिएटर करो तो ये फील हर जगह रहता है, मैंने बहुत सारे अलग अलग ग्रुप में काम किया तो सेम फील होता है, तो वो मुझे फील हुआ उस समय। बस थैंक यू सर। अच्छा चेंज कर लूँ क्या? चेंज ही कर लिया, 2 मिनट मैं नहीं कर। मतलब सर आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने हमारी वर्कशॉप कंडक्ट कराई फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड जैसे बाकी सब ने सब कुछ कह ही दिया, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सबको मैनेज करना, सबको हैंडल करना, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, क्योंकि क्या होता है हर एक की एक सोचने की वेवलेंथ और जो माइंड स्केल होता है वो अलग होता है, बट उसके अंदर उन सबको मैनेज करना एंड जस्ट फॉर दैट 10 डेज, क्योंकि आप भी हम सबसे बीच बीच में कोई आए, जैसे बाहर से उत्तराखंड से, पिथौरागढ़ से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, भिलाई से आए हैं, तो राजनांदगांव से आए हैं, तो सारे लोगों से हम सबको एक परिवार की तरह बनाना सबसे पहली बड़ी बात, उसके बाद फिर हमको कुछ सिखाना और फिर एक प्ले पूरा कंडक्ट करवा के उसको प्रेजेंट करवाना, वो भी उन डिग्निटरीज के सामने जो इग्नू से हैं, क्योंकि हम लोग तो टाटा भाई कहकर नमस्कार करके डिप्लोमा लेके चले जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पे हमेशा रहेंगे, तो वो एक रिस्क है, बट आपने वो रिस्क लिया, हम पे भरोसा किया, एंड तहे दिल से विवेक सर का, राखी मैम का, सौरभ सर और मानव सर का धन्यवाद देना चाहूँगा, लक्ष्मण सर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन सब ने हम पे भरोसा दिखाया और हमारे लिए समय निकाला, क्योंकि हम लोग सीखने के लिए आए हैं और सिखाने के लिए
समय देना सबसे बड़ी बात है. तो आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू एवरीवन. थैंक यू. लक्ष्मण जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? हमने प्ले भी देखा तो. नमस्कार, मैं लक्ष्मण प्रसाद. एक चित्रकार तो कैनवास और कागज पे रंगांकन का कार्य करता है, लेकिन जब डायमेंशनल फॉर्म्स मिलते हैं, जैसा कि फेस मिला था, और मुझे पहली बार इस माध्यम में मेकअप का जो माध्यम होता है, मुझे वो भी नहीं पता उसका क्या क्या नाम है, लेकिन उसके साथ करने में थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन एक चैलेंजिंग था. उसमें ग्रिपिंग नहीं बन पा रही थी, बहुत स्लिप कर रहा था, और ऑब्जर्वेशन भी था कि हम 20 फुट से, 30 फीट से, 10 फीट से देखें तो उस कैरेक्टर का दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो वो सब सीखने को मिला, और शायद थोड़ा सा अच्छा, मतलब फ्यूचर में हम बेहतर भी कर पाएंगे. टोनल वेरिएशन, लाइंस की क्वालिटी, टेक्सचर्स, इस सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे. और ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था. कैनवस पे तो हमने बहुत कार्य किया है, लेकिन हमारे फेस के लिए पहला कार्य था. तो मैं भारद्वाज सर को आभार करना चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थियों के साथ हमें आमंत्रित किया अपने इस अंधेर नगरी का हिस्सा बनाने के लिए. धन्यवाद. थैंक यू.